प्रतापगढ़ से हैं, जहां शहर के एएनएम सेंटर पर मधुकर सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे ने बताया कि 36 घंटे का समय देते हुए प्रशासन को सभी जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश कमेटी मंडल प्रभारी के साथ एम्बुलेंस कर्मचारी लखनऊ इको गार्डन में धरने पर बैठेंगे और जिलाध्यक्ष अपनी जिला कमेटी लेकर अपने अपने जिले में शांतिपूर्ण से धरना देंगे। यदि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह कार्य बहिष्कार करेंगे। वही मांग पूरा नहीं होने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मधुकर सिंह, कोषाध्यक्ष सूरज यादव, महामंत्री सुरेंद्र विश्वकर्मा, संगठन मंत्री अतुल सिंह, मीडिया प्रभारी शमशेर यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कौशल कुमार, पुनीत वर्मा, विविध सलाहकार राजपत यादव आदि लोग मौजूद रहे। हमारी मांगे ये है कि ठेका प्रथा खत्म किया जाए, पूरे राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हम लोगों को शामिल किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। ठेका प्रथा खत्म करके हम लोगों को NHM के थ्रू PF। और आज यहाँ पर क्या बैठक हुई है, किस चीज़ के लिए? आज इसलिए बैठक हुई है कि हम लोग जो 6 महीने से इस कंपनी PF नहीं दे रही है, 4 साल से सैलरी बढ़ोतरी के लिए नहीं बोल रही है और सैलरी लेट दे रही है, 4-4 महीने 5-5 महीने सैलरी रोक देती है, इसलिए हम लोगों ने मीटिंग किया है कि हम लोग कंपनी का बहिष्कार करेंगे, कंपनी को हटाएंगे, ठेका प्रथा खत्म करके और क्या कहते हैं NHM के थ्रू सरकार से मांग करेंगे कि हमें NHM में वो किया जाए